आप देख रहे हैं बगिया की महक। मैं हूं मधु, आप सभी को नमस्कार। ये जो पौधा आप देख रहे हो ये अंजीर का है, इसे मैंने सीड से ग्रो किया है। तो आज इसकी प्रोपोगेशन और केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ये भी बात करेंगे कि लोगों में इसको खाने का चलन क्यों बढ़ रहा है और किसान इसकी खेती करना क्यों पसंद कर रहे हैं। अंजीर एक ऐसा फल है जिसे फ्रेश और ड्राई दोनों रूप में खाया जाता है। यह मिनरल्स का भंडार है, इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज होता है, इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इससे पेट ठीक रहता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है और इसमें पोटाशियम की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है और महिलाओं में पोस्ट मोनोपोज से होने वाली मुश्किलों को कम करता है। डाइट कॉन्शियस इसे खा सकते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत होती है, लेकिन ज़्यादा खाने से मोटापा भी बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं कि किसान इसे क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसको लगाने का खर्चा बहुत कम है और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। सिर्फ सीड्स लगाते वक्त इसका ध्यान रखना पड़ता है, कुछ केयर करनी पड़ती है, पानी का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये ट्री रूप में तैयार हो जाता है इसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है और फर्टिलाइज़र भी साल में एक बार ही देना पड़ता है। ये हॉट समर और माइल्ड विंटर का प्लांट है, ज़्यादा पाले वाली सर्दी इसको पसंद नहीं और बारिश ज़्यादा होने से ये मर भी सकता है। मार्केट में जो ये ड्राई अंजीर मिलती है मैंने इसी से ही इसको प्रोपोगेट किया है। इसके जो स्लाइसिस होते हैं इनमें काफ़ी सीड्स होते हैं, तो इन सीड्स को आप उगा सकते हैं। पहले इसको देखिए, ये देखिए इसमें काफ़ी ये छोटे छोटे सीड्स हैं, ये क्रंची होते हैं। इनको पानी में भिगो दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब मॉइस्ट सोयल कर लें थोड़ी सी, छोटे से कंटेनर में, और इसको ऊपर से ऐसे डाल दें और फैला दें इनको सीड्स को। फिर थोड़ी सी सोयल और उसके इनके ऊपर ढक दें और पानी से स्प्रे कर दें। फिर इनको किसी शेडिड एरिया में ही रखें जब तक कि इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाती, तो आप इसको शेड में ही रखें। 20 से 30 दिन में इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो प्लांट है मेरे पास ये 3 मंथ्स का है, लेकिन जब तक ये छोटे कंटेनर में रहेगा तब तक ये बढ़ेगा नहीं, इसलिए इनको बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, तभी इनकी ऊंचाई बढ़ती है, ये बुशी बनता है। तो ये जो प्लांट है ये मेरा 10 मंथ्स का है। इसमें कई सारे प्लांट है, इनको भी मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन शिफ्ट करते वक्त इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसकी अगर रूट थोड़ी सी भी डैमेज होती है ये पौधा मर जाता है। जब ये बड़ा हो जाए तो इसका जो पॉट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, 15 से 16 इंच तक का होना चाहिए, तभी इसमें फल आएंगे। आज भारत के हर रीजन में इसको उगाया जाता है, सिर्फ लगाने का जो समय है वो अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया में इसे जनवरी फरवरी में लगाते हैं, वेस्ट में इसे जून जुलाई में, और साउथ में इसे अगस्त सितंबर में लगाया जाता है। मैंने इतने सारे प्लांट्स में ये एक प्लांट अलग तो किया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस गर्मी में आप कभी भी रीप्लांटिंग मत करें। इसी तरह से आप स्ट्रॉबेरी और शहतूत के सीड्स भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इसकी स्किन के ऊपर सीड्स होते हैं छोटे छोटे, तो इसको ऐसे अलग कर लें आप। चाहे तो जैसे ही आपने फ्रेश सीड्स निकाल लें उनको ग्रो कर लें, या फिर इनको सुखा के रख लें और जब इनके लिए वेदरिंग कंडीशंस फेवरेबल होंगी तब इनको उगा लीजिए। तो ये सूखे हुए हैं और ये शहतूत के भी हम इसी तरह जर्मिनेट कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।